तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एमसी स्टैन की बिग बॉस जर्नी। तो भैया, आज तक बिग बॉस में काफी सारे कंटेस्टेंट आए जिन्होंने कि सलमान खान के साथ साथ में बिग बॉस के सारे फैंस का भी दिल जीता, लेकिन उन सभी का बिहेवियर बिग बॉस में अपनी रियल लाइफ की पर्सनैलिटी है जो उनकी उनसे अलग रहता था। बट एमसी स्टैन एक ऐसा लौता बंदा है जो कि अपनी रियल लाइफ दिखा करके, मतलब जैसा वो अंदर से है वैसा ही उसने बिग बॉस में लोगों को दिखाया। एंड लोग भाई उसके लिए अभी पागल हो गए भाई, अगले बंदे का क्रेज हो गया दबा के। तो आज हम लोग देखेंगे एमसी स्टैन की बिग बॉस जर्नी के वो क्लिप्स जिनमें कि एमसी स्टैन एकदम रियल है भाई। वैसे तो पूरे के पूरे बिग बॉस में अगला बंदा एकदम मस्त रियल रहा है, लेकिन हम कुछ बढ़िया बढ़िया से मस्त मस्त क्लिप्स देखेंगे आज। एंड बिग बॉस 16 में रियल रह करके वो बंदा ना ही सिर्फ बिग बॉस के फैंस का बल्कि उन लोगों का भी दिल जीत के ले गया जो कि कभी बिग बॉस देखते ही नहीं थे, जिनमें से कि एक मैं भी हूँ। तो लेट्स सी आज क्या देखने को मिलता है, चलो भाई देखते हैं। चलो भाई, आपकी ओरिजिनलिटी और इस शो को खेलने का अंदाज हमें हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा भाई, याद रहेगा, ऐसे ही रहिएगा। एकदम रावस, एकदम रावस। सेलिब्रिटी बन गए ले सुनने का तुमको, लेकिन गालो शैतान की पूजा नहीं कर सकता मैं गोरो। सही बात है भाई, ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड। या कुछ तो बात है भाई। भाई एमसी स्टैन के लुक्स वगैरह की वजह से जो बिग बॉस के एल्डर ऑडियंस है उनको एमसी स्टैन पसंद नहीं आया कहीं ना कहीं, एंड अभी भी नहीं कर रहे पता नहीं क्यों लोग एमसी स्टैन को पसंद। पर जो न्यू जनरेशन है भाई, जिसको कि हिप हॉप में इंटरेस्ट है बहुत ही ज्यादा, उन लोगों को एमसी स्टैन काफी इंस्पायर कर रहा है। होता है भाई, न्यू जनरेशन अभी एमसी स्टैन की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है न्यू जनरेशन में कि कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। बात तो सही है। अब आएगा देखो, हा हा शिव ठाकरे, एमसी स्टैन आया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बिग बॉस 16 की चौथी स्टैन के लिए सैक्रिफाइस करोगे उसे? दो यार, मैं हीरो बनने के लिए हां भी बोल दूं, बट सच बोलो तो एक ये सपना हम दोनों का हम डिस्कस भी किए कि अभी हमको थोड़ा सा लग लगेगा, बट भाई यही 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 मैं भी सोच रहा था भाई। जब से मैंने बिग बॉस 16 देखना शुरू किया था ना, मैं तब से इमेजिन कर रहा था कि एक तरफ स्टैन होगा एंड एक तरफ शिव होगा एंड बीच में होंगे सलमान भाई, एंड वही हुआ भाई, लिटरली वही हुआ भाई। तेरी आवाज भी नहीं आ रही उधर ने, क्या क्लैश फिर ब्रो, क्या वॉकआउट डायरेक्ट? मैं बोला यार क्या है, फिर मैं देखता झगड़े किस पे चालू आ रही, इस पे चाय उठा के नहीं रखा, उसमें क्या लग पड़े ब्रो? और बोले इंसानियत है क्या, देखो बोले चाय उठा के नहीं रखा, अरे क्या भूल गया ब्रो मैं? सही बात है भाई, इंसानियत छोटी छोटी बात पे झगड़ना अच्छी बात थोड़ी ना यार। जिसको तुम लोग को करने का उसको करो, तुम पीछा हूं बेबी, हिंदी मातृभाषा एंडिंग तक मंडली। सही बात है भाई, एक तो बिग बॉस पे लड़ने वालों के टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि भाई बिल्कुल सेंसलेस टॉपिक, मतलब छोटी छोटी चीजों में, तूने चाय का गिलास यहाँ से वहां क्यों रखा, तूने रोटी क्यों नहीं बनाई, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया, अबे बस 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 छोटे बच्चे हो गया बे। बिग बॉस के हिस्ट्री में जितने वोट्स एमसी स्टैन को मिले, शायद ही किसी और कंटेस्टेंट को इतना सपोर्ट मिला होगा, और फिर भी अगर किसी और के हाथ में ट्रॉफी गई तो पब्लिक क्या करेगी? स्टैन बता जा रहा, झोड़ झाड़ झोड़ झाड़ झाप ठाप टू 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 सही बात है भाई, सही बात है। बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक प्लेयर रहा है भाई एमसी स्टैन, लिटरली तब ऐसा क्रेज और वोटिंग सर्वर क्रैश होना दिखाता है कि भाई क्या क्रेज है अगले बंदे का। अरे मेरे पास रिकॉर्ड के लिए माइक नहीं है, मतलब मेरा माइक भी तोड़ डाले ले, शॉर्ट हो गया थोड़ा, नहीं क्या मेरे पे मर्डर की केस भी चालू है, अभी क्या बोलूं। एमसी स्टैन अपने हिप हॉप का हीरो है, हीरो है। मैं बताऊं कि एमसी स्टैन जो है ना, एमसी स्टैन आपके अंदर का वो इंसान है जो आप बनना तो चाहते हो पर आपको सोसाइटी ने रोका हुआ है। सही बात है, सही बात है भाई। आप किसको देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन हैंड्स डाउन विनर है, हैंड्स डाउन विनर है भाई, बहुत स्ट्रांग है। विनर ऑफ दिस सीजन बिग बॉस इज एमसी स्टैन। तू बोला ना कि मेरे फैंस देख लेंगे, तो कौन सा ऐसा फैन इसके पीछे पड़ जाएगा? तेरे को ही करना पड़ेगा भाई। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ, रुका। अबे भाई
किसी के भी फैंस को ना दूसरे के साथ में ऐसा कुछ हरकत नहीं करनी चाहिए भाई। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम एक को प्यार करने के लिए दूसरे को हेट करो, है ना। जब भी ट्रॉफी की या गेम जीतने की बात आती है आप हमेशा बोलते कि मैं मंडली चाहता हूँ कि मंडली जीत। हाँ। तो फिर ऑडियंस वही ऑडियंस आपके लिए क्यों वोट कर रहा है? मैंने भी बहुत बार सोचा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मंडली में से अभी दो लोग बचे ले, तो अगर मेरा भाई जीता तो मेरा भाई, नहीं तो मैं जीता तो मैं। अगर ऐसा मंडली अगर एक घर में रहना है तो आठी के घर में रखेंगे, नहीं क्या वो प्लाईवुड लगा के, वो अलग बात है। पर अगर जीते तो भाई मैं मंडली का हिस्सा ही है, तो मैं मेरी भी बात कर रहा था। मैंने इधर ही सीख लिया था। भाई ने हल्के हल्के में रोस्ट कर दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। भाई वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। सिंह फीफा पूछ से। अच्छा मेरा आए सरिता, मेरा सवाल एमसी आपसे है। जब बेइज्जती है भाई, क्या कटा है इसका। भाई इस बंदे ने भी बिग बॉस में फुल कॉमेडी कर रखी थी भाई, माहौल बना के रखा हुआ था सच में। तुमको लगता है हम लोग बोलेंगे पता चल के सब सब मालूम पड़ गया अभी? रुको ना, चुप करता है ना, चिट्टा भी फालतू बना ब्रो, रुको जा रहा तुम जो जो बोला ना तूने। अरे भाई कंफ्यूज हो गया वो। भाई यार भाई शिव और स्टैन की जोड़ी ने अलग मचाया भाई, लिटरली मजा आया। क्या सुधी तो ऐसा ऊपर देख रहा हूँ, भाई ये लोग रोस्ट कर रहे हैं उसको चुपचाप से। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने काट दिया, मेरा कट गया। मेरे गानों पे हाथ ओढ़ती है, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती है, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो देखे लोग की भर्ती में गर्दिश में भर दी। आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी, पीटाउन से बीटाउन तक अपनी चलती। तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता भी दिखता। आई होप कि इन दोनों की दोस्ती आगे भी ऐसी बनी रहे और ऑडियंस को कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया देखने को मिलता रहे। शिव की प्लानिंग्स के साथ में शिव की प्लानिंग ऑनली शिव, सबका दिमाग हाईजैक करके चल रहा है ना, वो शिव की गेम है, आपकी किसी की गेम नहीं है, पता है। शिव ऐसा कर सकता है लेकिन इतनी इंग्लिश में शिव से एक्सपेक्ट नहीं करता। शिव इज एन इंजीनियर पापा, ये हमेशा शिव की प्लानिंग्स के साथ में चल रहे हैं ना सब। शालीन कह रहा है कि मैं शिव से इतनी इंग्लिश जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अबे उसकी इंग्लिश में घर जाएगा तेरा। ऐसा लगता है कि शिव को हक था ट्रॉफी का, नहीं क्या उनकी तो ऐसा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। आपका क्या टेक है? मेरा ये कहना है कि शो उसको ट्रॉफी के लिए वो खेला ही नहीं, उसने एंजॉय किया, लगता है वो डिजर्व करता है। सही बात है भाई, उसने नहीं बनाया, एक ही दिल है भाई लोगों, और कितनी बार जीतोगे वे। तो ये थे भाई एमसी स्टैन के बिग बॉस जर्नी के छोटे छोटे से क्लिप्स, आई होप तुम लोगों को अच्छे लगे होंगे। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शिव ठाकरे और प्रियंका चहल चौधरी पर भी बिग बॉस जर्नी वाली वीडियो लेकर के आऊं तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। न्यू हो चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो बस भाई मिलता हूं ऐसी किसी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सैवेज एंड पीस आउट।